सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग को पता है, काफ़ी मतलब यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को लेके इतनी बड़ी मतलब इतना वायरल कॉन्सेप्ट चल रहा ही है कि आप लोगों में क्या बताऊं। और आप लोगों को पता होगा कि कैरी मिनाटी ने अभी जस्ट थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। आई गेस 4 या 5 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था टिकटॉक को रोस्ट करते हुए, और वो वीडियो आई गेस सबसे ज़्यादा उस पर व्यूज़ आ गए थे, बहुत वायरल हो रहा था। और उस पर अगर आप पूछो कि लाइक्स कितने थे, तो लाइक्स का नंबर यार मोस्ट लाइक्ड वीडियो बनने वाला था पूरे इंडिया का, जो कि एक नॉन म्यूज़िक वीडियो था, ठीक है। और उस वीडियो पे अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से 76 या 78 मिलियन व्यूज़ हो चुके थे। तो अभी अगर आप जाके देखोगे कैरी मिनाटी के चैनल पर, तो वो वाला वीडियो डिलीट हो चुका है। अब डिलीट होने के पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कैरी मिनाटी के जो वीडियो था उसमें बहुत सारी आई गेस बैड वर्ड्स थे, और बहुत सारी गाइडलाइंस को उन्होंने ब्रेक किया हुआ था। छोटी मोटी मतलब गलतियाँ होती है, अगर आप कुछ भी मतलब यूट्यूब की बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपका वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा, ऊपर से वो नॉन मोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें थी जिसकी वजह से आई गेस के कैरी मिनाटी का वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया या फिर रिमूव कर दिया है। और इसके बिहाफ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया, और हम भी एक सपोर्ट में ही वीडियो बना रहे हैं कैरी मिनाटी के। तो कैरी मिनाटी जो है वो अभी जस्ट कल अपने इंस्टा पर और यूट्यूब पर लाइव आए थे, और लाइव जब वो आए तो उन्होंने बताया कि उनका वीडियो क्यों डिलीट हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं अपने इस चीज़ को लेकर। और जिस तरह मतलब लोगों ने उनकी छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी ब्रॉडर मीनिंग निकाल दिया है और पूरे वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो उन्होंने बताया कि मेरे को खुद नहीं मालूम कि मतलब किस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से मेरा जो वीडियो है वो टेक डाउन किया गया है। बाकी उनका जो वीडियो था वो पूरा सपोर्ट में था यूट्यूब के, और काफ़ी अच्छा वीडियो था, हम लोग को बहुत पसंद आया था। और मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, जहाँ पर मेरा पूरा सपोर्ट था कैरी मिनाटी को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यार यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैम हम लोग मानते हैं कि यार यूट्यूब पे ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल है, आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर टाइम देना पड़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं लास्ट में दे दूंगा। पर अभी हम लोग यहाँ पर अभी कैरी मिनाटी का वीडियो प्ले करते हैं, लाइव वीडियो, और देखते हैं कि उन्होंने अपने लाइव वीडियो में क्या कहा, और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आपको लास्ट में मेरा एडवाइस, मेरा मेरा रिव्यू देता हूँ कि वो आप लोगों को किस तरह लेना चाहिए। तो अभी हम प्ले करते हैं कैरी मिनाटी का वीडियो। अभी तक मैं काफ़ी सैड था कि वीडियो हट चुकी है, और मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था कि आखिर हटी तो हटी क्यों। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रीज़न या किस डायलॉग या एग्जैक्ट किस डायलॉग की वजह से ये वीडियो टेक डाउन हुई है। बट अब मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे डायलॉग्स का खुद से ही एक मतलब निकाल रहे हैं। मैंने आर्टिकल्स भी देखे हैं, वीडियोस भी देखी हैं, जहाँ पे मेरे एक एक वर्ड को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो करके गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखो गाइस, जब भी हम कुछ कोई वीडियो देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं, तो उसे हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए। देखो, ये तो एक फैक्ट है कि अगर तुम कोई सेंटेंस, स्टेटमेंट या डायलॉग को आधा पढ़ोगे या फिर उसका सिर्फ एक सिंगल वर्ड पढ़ोगे, तो उसके तो 100 मतलब निकल सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्लैंग्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया है,
मैं उनमें से तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब वीडियो में आमिर सिद्दीकी ब्रांड्स वाला पॉइंट कहता है कि टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स के पास यूट्यूबर्स से ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, तो मैंने उसके रिएक्शन में कहा था कि जब इनकी ब्रांड डील्स होती है तो एक इंडिविजुअल क्रिएटर के साथ ना होकर बहुत सारे क्रिएटर्स के को लेकर होती है, तो उनकी एक इंडिविजुअल क्रिएटर की इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं होती, और उसी ब्रांड वैल्यू के कंटेक्स्ट में मैंने एक डायलॉग बोला था कि मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। इस डायलॉग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू से था जो मैंने 200 रुपये से रिप्रेजेंट की थी। अब मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मेरे स्लैंग्स को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर तुम हिंदी में लिखे ह्यूमर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ स्लैंग्स को, तो उसका एक अलग ही मतलब है, और वो उस केस में भी है जब तुम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो, वो दोनों केसेस में। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ अपनी अजम्पशंस को फैक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट मत करो। और अभी तो मुझे मुझे खुद नहीं पता है कि ऑफिशियली किस डायलॉग की वजह से वीडियो टेक डाउन हुआ है, तो अपनी तरफ से अजम्पशंस मत लगाओ। और प्लीज़ पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो प्लीज़। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने अभी कैरीमिनाटी का वीडियो देखा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और कैरीमिनाटी काफ़ी अपसेट लग रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि उनका जो पूरा वीडियो था वो पूरे वीडियो का मीनिंग कुछ और निकलता है, पर जो मीमर्स थे और जो लोगों ने उनकी छोटी छोटी बात को मतलब बड़ा चढ़ा के एक बहुत ही बड़ा मीनिंग निकाल दिया है, और जिस तरह से वो चीज़ें वायरल हो रही थी उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई। मतलब उनको वायरल होना पसंद आया, पर जो वो एक गलत तरीके से वायरल हो रही है वो उनको अच्छा नहीं लगा, और वो बस पूरे वीडियो में यही बोल रहे हैं कि वीडियो को एक अच्छे तरीके से लिया जाए और इतनी जो मतलब चीज़ें फैलाई जा रही है वो ना फैलाई जाए। और बाकी उन्होंने, आपको पता होगा, आपने पूरा वीडियो सुना, उन्होंने बोला कि मेरे को खुद नहीं मालूम कि किस मतलब एक पर्टिकुलर रीज़न से मेरा वीडियो टेक डाउन किया गया है, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम होप करते हैं कि वो वीडियो वापस आ जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि वीडियो डिलीट होने के बाद वापस आ गए हैं, और काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उनके सपोर्ट में हैं और हम लोग भी उनके सपोर्ट में हैं, और हम ट्राई करेंगे कि उनका जो अभी नया वीडियो आया है उस पर भी 18 आवर्स में भी उस वीडियो पर जो है अगर आप लोग देखो तो 24 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, और अगर हम लोग बात करें लाइक की तो लाइक उस पर 5.6 मिलियन हो चुके हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक का प्यार कितना है कैरीमिनाटी की तरफ, और अगर हम चाहें तो हम लोग इस वाले लाइव वीडियो को भी मोस्ट लाइक वीडियो बना सकते हैं अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करो तो। और बहुत सारे लोग ने, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ने टिकटॉक को इतनी जल्दी रिपोर्ट मारा है कि उसकी रेटिंग आई गेस 3.2 पर आ चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग कैरीमिनाटी को सपोर्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो जो उन्होंने अभी लाइव वीडियो अपलोड किया है हम लोग उसको मोस्ट लाइक वीडियो बना दें, और अगर हम लोग उसको मोस्ट लाइक वीडियो बना सकते हैं तो हमारी पूरी ट्राई होना चाहिए कि अगर हम उस पर 10 मिलियन लाइक्स कंप्लीट कर दे फटाफट तो उनको उस बात का रिग्रेट नहीं रहेगा। सो गाइज,
मेरा यही ओपिनियन था इस चीज़ के ऊपर। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं किस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, यूट्यूब या फिर टिकटॉक, वैसे तो यूट्यूब को ही करता हूँ, पर अगर आप लोग रीज़न जानना चाहते हो कि किस रीज़न की वजह से, तो मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है जो कि मैं आप लोगों को अभी लास्ट में यहाँ पर सजेस्ट कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक कॉन्सेप्ट के साथ, किसी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज़।